गुड़िया बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? इसके अलावा कोई जोड़ा नहीं है क्या तुम्हारे पास? हर वक्त एक कपड़े पहनती हो। क्या हो गया गुड़िया, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और अच्छी भी लग रही है। अब हमारे पास वक्त नहीं है, वो लोग आने ही वाले होंगे। तो अम्मा नए नए कपड़े बनाना छोड़ दो ना, इनके पूरी अलमारी भरी हुई है और पहनती वही दो चार कपड़े। बस चुप कर जा गुड़िया, बात सुन, जब वो लोग आए ना तो उनके सामने ज्यादा पचड़ पचड़ मत करना, चुप करके बैठना। बिल्कुल चुप बैठू? अरे नहीं बाबा, जब वो तेरा नाम पूछे ना तो उन्हें सिर्फ नाम बताना, ये नहीं कि पूरा सीधा बताने बैठ जाए। हाय अल्लाह, उनको मेरा नाम भी नहीं पता, क्या हो गया? मिसाल दे रही है वो। अम्मा, अरे हाँ, मेरे लायक कोई काम है? हाँ है, तू अपनी पुलिस वाली को ना बाहर रख के आना, कमरे में मत साथ लेके आना। अम्मा वैसे एक बात है, हमें तो उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ तस्वीर देखी है बस, और जितना उन्होंने बताया बस वही पता है। अरे बेटा, जो कुछ मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दो, मैं तुम लोगों की माँ हूँ, मैं तुम लोगों का कोई बुरा नहीं करूंगी, समझे? पता तो मैं कराऊंगी सारा। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, मेरी शादी मत खराब करा देना, तुड़वा नहीं देना। अच्छा यार, ये जाहिल मुश्ताक कितनी मरतबा इसको बोला है मेरे साथ कपड़े मत रखा कर, सारे कपड़ों को खराब कर देते हैं। भाई से पाला पड़ा है, कोई और भाई नहीं मिला था मुझे। वो पैसे कहां से? मेरे तो नहीं है, मुश्ताक के भी नहीं हो सकते, फिर किधर से आए ये पैसे? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, सुबह तो ठीक ठाक था मेरा बच्चा। अरे बता तो क्या हुआ? अम्मी जान दो, पूरे दो। कौन दो? कौन दो नहीं, सिर्फ तो डाकू अम्मी जान, पूरे दो डाकू, पैसे चीर के ले गए, बैंक से निकल रहा था। हाय हाय, अरे क्या कह रही है, तूने रोका क्यों नहीं? ओह, अब समझा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई मुबारक हो। मुबारक हो आपको भी, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। मुबारक हो अम्मा। भाई जैसे ही मैंने अपने भाई को तस्वीर भेजी ना, उसने देखते ही हाँ कर दी, और मैंने भी फौरन ही इस्तखारा निकलवा लिया। भाई मैं इस्तखारा निकलवाए बगैर कोई काम नहीं करती। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपने इस्तखारा निकलवाया? जी वो मैं नहीं, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अम्मा को तो आप लोग इतने अच्छे लगे कि बस अम्मा ने कहा फौरन हाँ कर दो। माशाल्लाह, आपकी छोटी बेटी भी बहुत प्यारी है। इसकी तो बात पक्की हो गई है खानदान में। अरे भाई मैं तो इसलिए बोल रही थी कि ये उस दिन नहीं थी ना। नहीं, ये पढ़ने गई रही थी। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ रही हो आप? मैं MBA कर रही हूँ। वाह भाई, पर कुछ भी कर लो, जितना भी पढ़ लो, आखिर को करना तो हांडी चूल्हा ही है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इससे कहा कि मुझे आगे पढ़ना है तो मैंने कहा पढ़ो बेटा। क्या दरअसल मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मेरी नंद का बेटा कैनेडा से पढ़ कर आया है और वो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अच्छा, वैसे आपके भाई सऊदी में करते क्या हैं? जी वो एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ काम क्या करते हैं? इंजीनियर हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंजीनियर है। अगर आप बुरा ना माने तो मेरा भाई ना स्काइप पर इनसे बात करना चाह रहा है। देखिए ना, अगर वो खुद दोनों बात कर लेंगे तो इसमें बुराई ही क्या है? नहीं, इसमें क्या बुराई है। हाँ वैसे सर, आप अपने भाई की कंपनी का नाम हमें बता दें प्लीज, हम भी थोड़ी सी तफ्तीश करके अपनी तसल्ली कर लेंगे। मैंने कर ली है तसल्ली। अरे बेटा, जब मिठाई तो खिलाओ अपनी।